मुतेबुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं आप? ठीक ठाक सर, मैं पाकिस्तान से हूँ, रावलपिंडी से। मेरे फ्रेंड हैं नदीम असलम, जो जी मेरी ही मार्केट में होते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था आपका। अच्छा सर जी, मेरा बड़ा काफी दिनों से आपकी वीडियोस वगैरह देख रहा था। पहले मैंने कहा मैं पहले देखता हूँ, फिर तो आज 2 दिन से वेट कर रहा था आप कब लाइव आएंगे, तब आपसे बात अच्छा कर सकूंगा। अच्छा सर, मेरा पहले तो मैं आपको बताऊं, मेरी है कजन मैरिज, ओके मेरी खाला की बेटी है, उससे मेरी शादी हुई थी। और हमारी जो सी ना वालदा वाली साइड पे ना हिस्ट्री में शुगर है, इवन हाँ यहाँ तक कि मेरे ससुर और एक तो और जो उनसे मेरी नानी वगैरह, वो शुगर की वजह से ही उनकी डेथ हुई थी। तो अच्छा मेरा बेटा है 7 साल हाँ का। आज से 3 साल पहले जब लॉकडाउन में थोड़ी नरमी की थी ना हमारी हाँ गवर्नमेंट ने, तो उस टाइम हमने वैसे उसका चेकअप करवाया कि बहुत ज्यादा छोटा पेशाब करता है और बहुत शदीद स्मेल आती है, हम चेक करवा लिया। तो हमारे हाँ फैमिली डॉक्टर ने ना बोल दिया कि इसको शुगर और बहुत हाई शुगर है इसको। फिर हाँ मुख्तलिफ मुख्तलिफ टेस्ट लिख के दिए हमने, वो सारा करवाया। तो उन्होंने कहा जी कि ये बाय बर्थ भी हो सकती है, लास्ट जोन से नहीं है। उस टाइम उसकी उम्र 4 साल थी। तो उन्होंने 3 साल का, पहले 3 महीने का रिकॉर्ड किया, फिर 1 साल का किया, फिर 3 साल का रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा जी कि इसको शुगर बहुत पुरानी है। तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ टेस्ट कराए हमें, खैर फर्स्ट केस था हमारी फैमिली में ये बच्चे का, तो हमें इस चीज का इलम नहीं था। तो अभी उसके इंसुलिन लगती है, 4 3 साल हो गए उसे इंसुलिन लग रही है, नोवारैपिड और लैंटिस, दो इंसुलिन उसको लगती हैं। तो मैं डॉक्टर ने हमें पहले ही बोल दिया था ये इसकी समझ लो एक लाइफ पार्टनर है इंसुलिन, ठीक है। तो आप ये भूल जाएं कि कभी ये सर्वाइव कर देगा, लाखों में शायद कोई एक आधा बच्चा हो शायद जो सर्वाइव कर दे, हम झूठी तसल्ली नहीं देंगे। तो ये आपका समझ लो बच्चे का लाइफ पार्टनर। तो शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा टेंशन होती थी क्योंकि एक चीज था नहीं, पता ही नहीं था। खैर करते अब तो 3 साल हो गए। तो मैं वैसे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं, तो शायद कोई न्यू कोई टिप्स ऐसी मिल सके। डोज एहतियात करते हैं, डोज तो उसकी कम हो जाती है, लेकिन क्या ये वाकई में ये कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा मेरा बेटा? टाइप 1। अभी आपसे बात करने से पहले, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, सुना होगा आपने। आपकी जो पीछे, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, जो आपकी जो पीछे जो भाई उनसे जो गुफ्तगू हो रही थी ना, तो मैं हाँ अपने साथ दोस्त को यही बता रहा था कि मेरे 90% क्वेश्चंस का आंसर तो मुझे इसी वीडियो में मिल गया हो। बिल्कुल, तो मैं टेंशन करने हकीकत है की जरूरत मैंने इतना नहीं। कुछ सोचा था आपसे पूछूंगा, लेकिन वो ऑलरेडी मुझे उसके आंसर्स मिल चुके हैं। हाँ, तो फिर मैं आगे, तो तो मुझे टेंशन कुछ करने ऐसे की कुछ जरूरत नहीं टिप्स है, टेंशन बताएं। जी करने की जरूरत नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली बच्चों में होता है, ठीक है, लेकिन जी आजकल एडल्ट्स में भी होते हैं। 25, 26, 28, 30, 35 साल तक मैंने देखा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके डॉक्टर ने कहा है कि इंसुलिन एक वरदान है, बिल्कुल सही बात है। इंसुलिन उन ठीक लोगों के लिए वरदान है, उन लोगों का लाइफ पार्टनर है जिनको टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 का मतलब है कि बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। और इंसुलिन लेने से कोई परेशानी नहीं है। इंसुलिन का साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, दवाई से भी कम साइड इफेक्ट है। सिर्फ इतना ही साइड इफेक्ट है कि जो इंजेक्शन जहां पे लगा रहे हैं वहां पे थोड़ी सी सख्त हो जाता है। हाँ कभी गिल्टी नुमा बांधी कोई स्वेलिंग हाँ, हल्की सी चंद दिनों के लिए होगी बस। आपको चेंज करते रहना है, एक ही साइड पे नहीं लगाना जी है, अलग वो थाई पे भी लगा अलग देते साइड। हैं, हाँ, अलग थाई पे अलग भी साइड पे डॉक्टर ने लगाते कहा। जी रहिए तो वो भी नहीं होगा। ये जी हो गए पहली चीज। अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रहा है, ऐसे भी इंसुलिन आपके देश में होगा, पता करना कि एक बार हफ्ते में एक बार लगाया तो चल गया, ऐसे भी टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। ठीक है, एक दिन में तो एक बार लगाया पूरा दिन का 24 घंटा चल गया, वो तो है ही है, लेकिन एक बार लगाया हफ्ते में, ऐसे भी कुछ इंजेक्शंस डेवलप हो रहे हैं और हो सकता है कि आपके वहां पे भी, पता करिए तो लाइफ इजी हो जाएगी। बहुत सारे इंसुलिन पंप वगैरह जो आ गए हैं, तो आपको इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं, अपने पंप होता रहेगा। जो डॉक्टर ने, जो लेडी डॉक्टर है जो शुगर की बहुत स्पेशलिस्ट है, जो फर्स्ट एक ही है जिससे ये हर महीने इसका चेकअप होता है, उन्होंने कहा था कि बहुत ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई कि आपकी सोच नहीं। लेकिन मसला ये है, बच्चा आपका अभी जोनसन है 7 साल का,
ये 18 प्लस चला जाए तब तिकर देखेंगे तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें, ये घबराने वाली बात नहीं है इंसुलिन लगाना। तो बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज वगैरह की, हर चीज वगैरह की, ये जिंदा मिसाल है हमारे लिए। तो क्योंकि हमारा बच्चा है तो इसलिए थोड़ी सा परेशानी तो होती है तो इसलिए। लेकिन वो मैंने बताया आपकी थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू हुई है ना दूसरे भाई से, मुझे काफी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, इसलिए मैं आप को इतनी खास और कोई क्वेश्चन है नहीं है मेरे पास जो आपसे कर सकूं तो। लेकिन ये है कि बस दुआ ही है, बस बकाया परहेज। ठीक है, मैं माशाल्लाह आपके देखता हूँ, मैंने अपनी मिसिस को भी स्पेशली बोला हुआ आपका चैनल सब्सक्राइब करा के।